गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 3 जनवरी एंड डे है मंडे। तो इस वीडियो को हम इस न्यू ईयर की पहली वीडियो कह सकते हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात, एक कमेंट्स के अंदर सजेशन था कि जो मेरी न्यूज़पेपर में PDF के जो नोट्स बनाता हूँ तो उसको मैं इमेज से ही कवर करता हूँ, तो उसकी भी एक अगर PDF बन सके तो अच्छा रहेगा, और मैं उसके ऊपर स्क्रिबल वगैरह भी कर पाऊँगा इस तरीके से, तो वो अच्छा रहेगा। तो मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया और वो आपके सामने अब दिखेगा। और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मैं आपको PDF की फॉर्म में ये नोट्स दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो पहले तो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पुरानी फाइल्स उसके अंदर नहीं दिख रही होती हैं चैट के अंदर। तो अगर आपको पुरानी कोई फाइल देखनी है, या आज ही आप लेट ज्वाइन करते हैं, आज की फाइल आपको देखनी है, तो पिंड मैसेज में आप जाके उसको देख सकते हैं। तो पिंड मैसेज के अंदर आपको सारी पुरानी फाइल्स, ये नोट्स, वीडियो का लिंक और सारी चीज़ें आपको बेसिकली मिल जाती हैं उसके अंदर, जो भी मैं शेयर करता हूँ, तो वहाँ से आप जाके तो ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इंडिया इनकॉपरेटिव सीज इन्वेस्टमेंट बूम, लाइंस अप केपेक्स प्लान्स। यहाँ पे बेसिकली इंडिया इनकॉपरेटिव, मैंने आपको पहले बताया था, ये एक मीडिया द्वारा रचित टर्म आप इसको कह सकते हैं। ये एक जनरली आपकी जो कंपनीज हैं सारी, या फिर जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर लाया करता है, उसकी बात करें तो वो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बूम आने वाला है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और आइडियली हमें ऐसे कहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बूम एक और आने वाला है, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट बूम आ ही चुका है इसके अंदर। लाइंस अप केपेक्स प्लान्स, मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंपनी एक्सपेंड, मतलब इनकर करती है, उस कुछ चीज़ें खरीदती है जो उसको एक साल या 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक इसका बेनिफिट केपेक्स का चलता है यहाँ पर। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, अगर कोई वो बिल्डिंग खरीदती है, तो उसका 1 साल तक या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक उसका बेनिफिट नहीं होने वाला, उसका काफ़ी लंबे टाइम तक बेनिफिट चलेगा। या अगेन, वो कंपनी अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदती है तो वो उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ मंथ्स में या कुछ डेज में ही ख़त्म कर देगी, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इस तरीके से दोनों में डिफरेंशिएट होता है। अब वो जो कंपनीज़ हैं बेसिकली पूरी इकोनॉमी के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी प्लान कर रही हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उनके पास भी किसी ना किसी फॉर्म में पैसा आएगा, या तो इक्विटी की फॉर्म में या फिर डेट की फॉर्म में, तो वो भी उस पैसे को एक्सपेंड कहाँ पे करेंगे, बेसिकली वो प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। ना इकोनॉमिक टाइम्स ने ये पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से है। तो इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने सर्वे कंडक्ट कराया है, जिसके अंदर 56 CEOs ने पार्टिसिपेट किया है, और 93% इस चीज़ के फेवर में है कि यस, ये वाले क्वेश्चन पे बेसिकली उन्होंने यस बोला है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत सारे और भी फैक्टर्स निकाले गए, कंक्लूजन्स निकाले गए थे, वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। जैसे एक उसके अंदर है कि आपकी कंपनी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना ग्रोथ प्लान कर रही है उसके अंदर, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन लाइक करते हैं 60-70% में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैंने एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे दो पॉइंट्स रखे हैं, इन्वेस्टमेंट बूम और इकोनॉमिक बूम, इन दोनों में के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, और टाइम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बूम आता है जनरली इकोनॉमी के अंदर, और इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है जो हाउस होल्ड्स में या फिर कंपनीज के अंदर जो भी सेविंग्स होती है वो चैनलाइज हो जाती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास जाएगी या फिर गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो गवर्नमेंट उससे एक्सपेंडिचर करेगी। तो एक तरीके से क्या हुआ था कि किसी भी पर्सन ने कुछ इनकम की थी, तो उससे वहाँ पर उसने कुछ एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन किया, बाद में जो बचा वो उसका सेविंग्स हुआ। सेविंग्स किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्ट होगी, या वो बैंक के अंदर डाल देगा, तो बैंक के अंदर भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट आगे जाके कंपनी उस टाइम पे एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंडिचर जो होता है, ये सारा एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। एक तो कंज्यूमर खुद कर रहा है, एक लेटर फेज में जाके यहाँ पर हो रहा है। तो बेसिकली ये जो पूरा फेज़ होता है बीच में, इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज़ बोल सकते हैं। और ये जो फेज़ होता है जिसके अंदर एक्सपेंडिचर होगा, या फिर आगे जाके एक्सपेंडिचर होगा, उसका कुछ प्रोडक्शन वगैरह होगा, बेनिफिट मिलेगा बाद में, तो वो इकोनॉमिक बूम का फेज़ आता है। तो इन दोनों में बेसिकली टाइम का डिफरेंस रहता है कि इन्वेस्टमेंट बूम पहले आएगा, फिर इकोनॉमिक बूम एक्सपेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर आपके GDP नंबर्स इफेक्ट होंगे, वो सब चीज़ें होंगी। ना इसके रीजंस कुछ बताए गए थे आर्टिकल के अंदर, लो इंटरेस्ट रेट्स, तो लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल रहे हैं, तो वो सब पहला बड़ा फैक्टर होता है। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि इंटरेस्ट पे लोन ले करके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर,
तो उनको फॉर एग्जांपल अगर 5% का लोन मिल रहा है 5% पर, और अगर वो 10% भी कमा लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो नेट पॉजिटिव के अंदर चले जाएंगे। तो उस तरीके से बेसिकली कुछ लोग वर्क करते हैं, तो वो यहाँ पर हो रहा है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव मतलब जैसे कुछ स्कीम्स हैं जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आपको लो टैक्स या नो टैक्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी सिक्योरिटी के अंदर। जैसे मैंने आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताया है, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, वो सब चीज़ें। नाउ न्यू बिजनेस और टेक्नोलॉजी इमर्जिंग, जैसे आपको NFT पता है, WW मतलब नया वर्ल्ड वाइड वेब पता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो नई नए टाइम पे ही होगी, तो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जा रही है। तो ये हो गया यहाँ पर पूरा फर्स्ट न्यूज़। मोर कंपोनेंट डिसरप्शंस लाइकली इन जैन टू मार्च क्वार्टर। तो इस फाइनेंशियल ईयर की एक तरीके से फोर्थ क्वार्टर की यहाँ पर न्यूज़ में बात की गई है। इसके अंदर बोला गया है कि जैसे अभी हमने देखा था सेमीकंडक्टर चिप्स जो थी उनकी शॉर्टेज हो गई थी, उसमें दो जो सबसे मेजर इंडस्ट्रीज थी वो अफेक्ट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री। तो ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस न्यूज़ के अंदर कि ये चीज़ फ्यूचर के अंदर भी वापस से होने वाली है। क्यों होने वाली है ये भी इन्होंने बताया। पहला रीज़न इसका बहुत ही जनरल रीज़न है, COVID-19 के केसेस ग्लोबली आप सभी को पता है बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन वगैरह की चीज़ें हुई हैं, अदर स्टेट्स के अंदर भी हो गई हैं, तो वो सब चीज़ें इसके फैक्टर्स रहते हैं। नाउ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज इन चाइना एंड हांगकॉन्ग, ये मेन फैक्टर है कि जिस तरीके से चाइना और हांगकॉन्ग में चीज़ें बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई हैं। और ये आप सभी को पता है दोनों ही जगहों से बहुत ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स फोन्स के, ऑटोमोबाइल के, वो सब आते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ लग जाता है लॉकडाउन वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पर कंटेंट कंपोनेंट के में डिसरप्शन हो जाएगी सप्लाई में। तो ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है। नाउ इंडिकेशंस फ्रॉम वेंडर्स, अब ये सब पता कैसे चल रहा है, तो जो वेंडर्स हैं, जो ये लोग बेचते हैं, वो अपने ऑर्डर जो थे उसके डिले हो रही है, यानी कि जो सप्लाई थी उसमें डिले हो रही है, और प्राइस में हाइकिंग चल रही है थोड़े थोड़े पॉइंट से, 1% 2% से डेली बेसिस पे इसके अंदर हाइक्स चल रहे हैं कंपोनेंट्स प्राइसेस के अंदर। तो उस वजह से हम मान सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसकी सप्लाई कम हो सकती है। नाउ सेक्टर्स मेनली अफेक्टेड, ये मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मेनली अफेक्ट होने के चांसेस हैं फ्यूचर के अंदर। नाउ फूड कंपनीज डीलर्स रेडी बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल्स। तो ये बहुत ही बेसिक कंपनी है, यहाँ पर एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, मैं वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपने फॉर्चून रिफाइंड ऑयल का नाम ज़रूर सुना होगा, तो अदानी कंपनी है जो ये बनाती है। तो बेसिकली वो अभी तक 10 दिन वो बेच पाए इतनी इन्वेंट्री अपने पास रखते थे, अब उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा करके 12 दिन पे कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि लॉकडाउन अगर लगता है फ्यूचर के अंदर, तो वो कम से कम इतना हो कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते सर्वाइव कर सके उनकी सप्लाई, या जितना ज़्यादा हो सके बेसिकली उतना अच्छा है। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ की है। तब यहाँ पर यही पूरी न्यूज़ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक वैसे इसका मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट जो अपने पास चीज़ों का, वीट का, राइस का, इन सब चीज़ों का स्टॉक मेंटेन करके रखती है, ताकि वो एक किसी आपदा बोलते हैं हिंदी में, मतलब कोई भी अगर कुछ डिसरप्शन, कोई बहुत बुरी घटना हो जाती है, तो वहाँ पर वो उसको यूज़ कर सके। वो एक फिक्स्ड प्राइस पर फार्मर्स से इस पूरे स्टॉक को अक्वायर करती है। बट यहाँ पर बफर स्टॉक एक तरीके से इमरजेंसी स्टॉक के उसके अंदर रेफ़र किया हुआ है कि जो दुकानों वाले या फिर कंपनी वाले लोग अपने पास सेव करके रख रहे हैं, तो उनको रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पर कि वो लोग बफर स्टॉक रेडी कर रहे हैं एसेंशियल्स का। एसेंशियल्स आप सभी को पता है, वीट, राइस, ऑयल वगैरह वगैरह, वेजिटेबल्स कुछ उसके अंदर आ जाते हैं। नाउ टू अवॉइड डिसरप्शंस इफ़ लॉकडाउन आर इम्पोज, ये मैंने आपको बताई दिया, अगर लॉकडाउन इम्पोज हो जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। तो सेकेंड लॉकडाउन के अंदर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी ऐसे स्टॉक से रिलेटेड, फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा हुई थी। नो रफली 20% राइज इन स्टॉकिंग अप फ्रॉम नॉर्मल टाइम्स। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 to 12 हो गया, तो वही है 20% के रफली राइज हुआ है आपके स्टॉकिंग अप के अंदर, जितना पहले नॉर्मली रहता था। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। नो इसी से रिलेटेड एक बेसिकली रेशो होती है जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नाम से एक रेशो होती है, उसमें क्या होता है कि वो रेशो निकालती है कि आप कितनी बार अपना जो रॉ मटेरियल लाए उसको आप इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब जो सेल हो सकती है पूरे साल में, एक साल में आप कितनी बार ये साइकिल चला रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर इससे कम हो जाएगी फ्यूचर के अंदर कंपनीज़ का, क्योंकि अगर वो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो ये चीज़ कम हो जाएगी। नाउ RBI रीथिंक ऑन डुअल स्ट्रक्चर में डिले लॉन्च ऑफ बैड बैंक। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ और थोड़ी सी ऐसे RBI और पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ है, तो मैं एक बार आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स के अंदर बताता हूँ।
बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बैड लोन का प्रोसेस क्या होता है। बैड लोन के अंदर क्या होता है, जिसे पहले तो बैड लोन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। एक बैंक है, उसने किसी पर्सन को लोन दिया है और वो पर्सन लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, उसने वो बैड डेब्ट हो गया मतलब बैंक के लिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि वो जो बैंक है वो थोड़े टाइम बाद किसी बैड बैंक को या असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ARC को सेल कर देगा इसका लोन। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का लोन था, 100 रुपीज़ का इसने लोन इसको सेल कर दिया। लोन का मीनिंग क्या होता है कि अब ये ARC इससे वसूल कर सकती है फ्यूचर के अंदर। ARC इससे क्या कर सकती है, वसूल कर सकती है। अब यहाँ पर बैंक को क्या बेनिफिट हो रहा है, बैंक को अभी 100 रुपये के बदले में फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ ये ARC वाले दे देंगे। बैंक बोलेगा मुझे तो 100 रुपये मिल नहीं रहे, कोई बात नहीं मैं 50 एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आप 100 रुपये ले लेना अगर आप ले सकते हो तो। तो इस तरीके से पूरा ARC वर्क करता है। अब यहाँ पर ARC ने 100 रुपीज़ मान लेते हैं कि 10 ऐसे लोन ARC ने खरीद लिए, तो उसके पास 1000 रुपये का लोन हो गया और उसके इन्वेस्टमेंट कितनी लगी होगी, इन्वेस्टमेंट उसकी 500 रुपये लगी होगी क्योंकि उसको 500 रुपये बैंक्स को देने पड़ेंगे। तो अगर 50% भी रिकवरी कर लेता है तो ARC प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उस तरीके से ARC वर्क करते हैं। अब ARC क्या करता है, ARC अब इस न्यूज़ के अंदर क्या बोला गया, ARC भी अपने आगे एक और ऑर्गेनाइजेशन लगा देगा। जो ARC तो क्या करेगा, सिर्फ वो खरीद लेगा बैंक से और वो आगे ये जो पूरा रिजॉल्व करने वाला काम है ये आउटसोर्स कर देगा एक और कंपनी को, कोई भी एक्स कंपनी हो सकती है, उसको वो आगे सेल कर देगा, वो चीज़ वसूली करेगी आगे। और जैसे 50 में उसने ख़रीदा था तो फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ में वो सेल कर देगा आगे। तो उस तरीके से यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर कुछ कंपनीज़ का नाम है जो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब RBI ने क्या किया था, RBI ने NARCL करके एक कंपनी लिमिटेड बनाई थी, मतलब एक कंपनी है। तो इसमें क्या किया था इसका पर्पस, ये ARC वाला इसका पर्पस था यहाँ पर जो है कि वो आपके लोन को ख़रीद लेगी लोगों से, मतलब जो भी आपके बैड डेब्ट होगा बैंक्स वगैरह को, उनसे लोन को ख़रीद लेगी। तो ये उसका मेन पर्पस था। अब वहाँ पर इन्होंने क्या प्रपोज़ल दिया है कि ये एक सेकेंड कंपनी को इस प्रोसेस के अंदर ऐड करने की प्लानिंग कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये RBI बेसिकली अपोज कर रहा है, RBI इसकी वजह से इस पर सोचने के लिए डिले मांगने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको पहले हेडलाइन एक बार वापस से बताता हूँ, RBI रीथिंक ऑन डुअल स्ट्रक्चर। तो डुअल स्ट्रक्चर में वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड कंपनी थी उसका नाम ये था IDRCL, मैंने इसका फुल फॉर्म नीचे लिख रखा तो मैं आपको तब बता दूंगा। अब यहाँ पर उनके प्रपोजल में क्या था, NARCL के प्रपोजल में कि ये अक्वायर करेगी बैड डेट, NARCL जो कंपनी है, और IDRCL जो है वो प्रोवाइडिंग रेजोल्यूशन, जो ये आपका वसूली करने वाला काम है इसको रेजोल्यूशन आप बोल सकते हैं, तो वो चीज़ ये प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर ये पूरा आपका प्रपोजल था, इसको RBI ने रीथिंक करने के लिए अभी मना कर दिया है। RBI सेट अंडर SARFAISI एक्ट, ये एक एक्ट है, मतलब इसकी भी पूरी फुल फॉर्म है वो मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये पूरा एक्ट है। इसके अगेंस्ट RBI ने क्या बोला कि एक्विजिशन और रेजोल्यूशन बैड डेब्ट्स का एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है, तो ये RBI ने कोर्ट किया और इस पूरे प्रपोजल को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर स्पॉन्सर्स ऑफ NARCL जो है, मतलब आपका जो एक तरीके से कंपनी है तो उसके जो स्पॉन्सर्स हैं मेनली, उन्होंने ये बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सजेशंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। जैसे कि होगा क्या कि NARCL और IDRCL के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक अग्रीमेंट हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर NARCL जो भी बैड डेब्ट अक्वायर करेगा उसका रेजोल्यूशन करने का काम आउटसोर्स कर देगा IDRCL को। अब आपको लग रहा होगा इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि NARCL मना भी कर सकता है, NARCL मना भी कर सकता है, तो वो इसके अंदर रीज़न है मेनली, मतलब डिफरेंस है मेनली। तो यहाँ पर आउटसोर्स करने का प्रपोजल इन्होंने अगेन सबमिट किया है इसके अंदर, तो RBI इस पर भी अभी सोचेगा कुछ ऐसे, इसके ऊपर नई न्यूज़ इसके ऊपर नहीं आई है। नाउ ये बेसिक फुल फॉर्म्स हैं, NARCL की नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड IDRCL की इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो आई होप आपको पूरी न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, अगर आपको सभी न्यूज़ में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, ये बेसिकली पेज नंबर होता है कि कौन से पेज पर न्यूज़ है, और ये ऐसे पॉइंट का नंबर नहीं होता है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटर मूव्स कोर्ट टू रिटेन SRI कंट्रोल ओवर ट्रिनिटी। सबसे पहले समझते हैं ट्रिनिटी क्या है इसके अंदर। तो ट्रिनिटी बेसिकली एक आप कह सकते हैं सब्सिडरी है SRI की, श्रीराम इंजीनियरिंग इंफोटेक करके कुछ इनका ग्रुप का नाम है, और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप बैंकक्रप्ट एक तरीके से हो गया है। ये फाइनेंस के अंदर ही मेन काम करता है, एक इनकी कंपनी इक्विपमेंट फाइनेंस करके है और एक और फाइनेंस की इनकी कंपनी है, दो कंपनी इनके अंदर मेन है। नॉट ट्रिनिटी की ओनरशिप इस तरीके से है कुछ, SRI 51% होल्ड करता है और पयाश कैपिटल, ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ये 49% इसके अंदर होल्ड करती है। आई होप आपको 49% विजिबल होगा। नॉट ट्रिनिटी ऑफर्ड राइट्स इशू, ट्रिनिटी ने अपना नया प्रपोजल निकाला था
राइट्स इशू, इसके अंदर क्या किया इन्होंने। अब राइट्स इशू क्या होता है, आपकी पूरी वर्किंग समझाने से अच्छा मैं आपको सीधा कंक्लूजन पे ले चलता हूँ। इससे हो क्या रहा था, इसे इन इफेक्ट पड़ रहा था कि SRI का जो शेयर था ट्रिनिटी के अंदर वो 50% से कम जा रहा था। अब यहाँ पर SRI जो बैंकरप्ट होने वाला है एक तरीके से, उसका असेट बन गया ट्रिनिटी, तो उसकी अगर ओनरशिप उसके अंदर से हट जाएगी, क्योंकि 50% से कम होते ही पयाश कैपिटल की ओनरशिप पूरी हो जाएगी, 51% से ऊपर हो जाएगी, तो वो उसका ओनर बन जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उसको सेल करने में SRI को। वो अपने जो भी उसके डेटर्स हैं, सॉरी क्रेडिटर्स हैं, उसको पैसा रीपे करने के टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो वो बेसिकली इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक RBI ने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया हुआ था SRI के साथ, और ये अभी नहीं हुआ था, ये पहले से ही हो रखा था। RBI क्या करता है कि अगर कोई भी ऐसे बड़ा बैंक कुछ वो हो रहता है, बैड डेब्ट के अंदर जा रहा होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हमने DHFL बैंक के अंदर भी देखा था, तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लाइन अपॉइंट कर देता है। तो उसी एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उसकी पावर्स थी कि वो मना कर सकता था, उसके ऊपर साइन उसने नहीं किए तो वो डिक्लाइन हो गया। तो ये जो प्रपोजल था ये बेसिकली डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं था कि SRI के साथ फ्रॉड हो रहा था, एक तरीके से SRI ये चीज़ करवा रहा था ताकि वो उसको अपने असेट्स को वो किसी तरीके से और जगह पे यूटिलाइज़ कर सके। तो ये हो गया यहाँ पर। ट्रिनिटी के बारे में अगर थोड़ी और मैं बात करूँ तो ये एक SEBI रजिस्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे मेन तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, आपकी इक्विटी, ये सब होती हैं, तो इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट बचती है वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। जैसे आज के टाइम पे तो इसकी लिस्ट ही नहीं है, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, आपकी रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं, और आके जो नए नए हैं NFT वो बाकी सब चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं। तो वो सब हो गया। नाउ 1475 करोड़ इक्विटी का इनका पोर्टफोलियो है जो 20 कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि सिंस ये एक फंड है तो फंड का मेन काम ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होता है। नाउ 5th पेज के ऊपर पहली न्यूज़ है इसके अंदर, कॉरपोरेट बॉन्ड सेल्स एट 6-year low 2022 मे सी अपटेक। बेसिकली इसके अंदर कंपनीज़ के बॉन्ड्स जो होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड मतलब कंपनी के बॉन्ड्स, तो उसकी सेल्स की बात की गई है कि कितना कंपनी ने उससे पैसा रेज किया है उसकी बात की गई है, तो वो 6 ईयर में अभी तक सबसे लो पर चल रहा है 2022 के अंदर। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा देखने को मिले। अब यहाँ पर 2021 की बात की सबसे पहले करते हैं, तो उसके अंदर बॉन्ड्स से कंपनी ने रेज किए हैं 5.65 लाख करोड़ रुपीज़, तो ये सबसे कम है अपने 6 साल के अंदर। आप कह सकते हैं 2015 से लेकर अभी तक सबसे कम चल रहा है। 2020 के अंदर एक शॉकिंग सा फैक्ट पर आपको लग रहा होगा ये चीज़, 7.88 लाख करोड़ रुपीज़ रेज कर लिए थे, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी इकोनॉमी सब कुछ डाउन था, बट फिर भी ये एक ऐसा फैक्टर है जो 2020 के अंदर बेटर था 2021 से, तो ये भी एक पॉइंट अपने आप में। नाउ EM स्टॉक्स एट लो EBV बट टाइड टू टर्न इन फेवर सून। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स ये रखी हैं उसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले EM का मीनिंग होता है एमर्जिंग मार्केट्स। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप सभी को पता है कि कुछ कंट्रीज हैं डेवलप्ड, कुछ हैं डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो सब रहता है। तो उस तरीके से कुछ होती हैं डेवलपिंग मार्केट्स, तो वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके मार्केट को एक तरीके से एमर्जिंग मार्केट्स बोल सकते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली इंडिया भी आता है, साउथ अफ्रीका की काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो वो सब हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर एब क्या है, एब लिटरल सेंस में इसका मीनिंग होता है, जैसे आपने ओशन के पास एक वेव देखी होगी, तो वेव आती है फिर वापस चली आती है, पर वो वापस से ज़रूर आएगी फ्यूचर के अंदर। तो एक ऐसी चीज़ जो मतलब लो डाउन कर रही है वापस से आने वाली फ्यूचर के अंदर, ये एक तरीके से सर्टेन है, कन्फर्म है, तो उस चीज़ को एब बोलते हैं। अब एब यहाँ पे लिटरल मीनिंग को छोड़ देते हैं, यहाँ पर मीनिंग क्या बन रहा है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक हैं उनका मार्केट डाउन चल रहा है अभी के लिए, तो उसका यहाँ पे इन्होंने डेटा भी प्रेजेंट किया। बेसिकली MSCI है, MSCI पहले मैं आपको बताता हूँ, मॉर्गन स्टैनली का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इनके बहुत सारे इंडेक्स हैं फ्यूचर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, MSCI इंडिया इंडेक्स, MSCI EM इंडेक्स। EM इंडेक्स क्या है, इमर्जिंग मार्केट्स का इंडेक्स है पूरा, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ का कंपोजिशन है। अब यहाँ पर 2021 पूरे साल के अंदर ये 5% से गिरा है, तो ये चीज़ यहाँ पर रेफ़र कर रहा हूँ मैं कि मार्केट जो डाउन मैंने सर्कल के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि EM स्टॉक्स का मार्केट डाउन चल रहा है। बट आगे पढ़ेंगे हेडलाइन के अंदर, बट टाइड टू टर्न इन सून, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के अंदर, इमर्जिंग मार्केट्स का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
नाउ इसी तरीके से एक रेलिवेंट एक रिलेटेड न्यूज़ थी, तो मैंने आपको वो भी इसके अंदर बता दिया। डेवलप्ड मार्केट्स करके भी एक इंडेक्स होता है जिसको DM बोलते हैं, MSCI DM इंडेक्स, तो उसने 20% पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं इस साल के अंदर, 2021 के अंदर सेम टाइम के अंदर। तो डेवलप्ड मार्केट्स क्या हुआ, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स मतलब इंडिया जैसी जो मार्केट्स हैं कुछ, तो डेवलप्ड मार्केट्स मतलब हुआ जैसे US, UK और यूरोप की कुछ कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं जैसे फ्रांस वगैरह, तो वो सब इसके अंदर आती हैं। नाउ पब्लिक इनिशिएटिव्स टू शेप इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पूरा वर्ल्ड चाइना से इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पर चाइना प्लस वन एक पॉलिसी की बात की गई है। अभी ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो आपका मतलब कोई कंट्री अपनी स्पीचेज में अनाउंस करती हो या फिर कुछ ऐसा हो, बट हर कंट्री में ट्रेंड देखने को मिला है फ्यूचर के अंदर, कम से कम आर्टिकल के अंदर यही चीज़ बोली हुई है कि यहाँ पर चाइना से जो भी चीज़ आती है कंपनीज प्रेफर करती हैं कि उसका एक और क्लाइंट या एक और कंट्री ऐसी हो जहाँ से वो उस चीज़ को मंगा सके। तो ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं वो अभी इंडिया से मंगवाई जानी स्टार्ट करी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर चाइना प्लस वन पॉलिसी मतलब हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना से तो आप कोई चीज़ मंगा रहे हो ठीक है, बट प्लस वन मतलब एक और कंट्री आप ऐसी रखो बैकअप के टाइम पर कि आप चाइना पे इतने डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि आप सभी को पता है चाइना के अंदर जियोपॉलिटिकल जो उनके इश्यूज चलते हैं हर कंट्री के साथ लगभग, वो बहुत ही बड़े लेवल पर चलते हैं और वो अपनी कंट्री के अंदर किसी भी इन्वेस्टमेंट को अलाउड ही नहीं करते हैं। आप सभी को पता है वहाँ पर फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं। अब यहाँ पर डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, अब सभी को पता है कि मैंने ऊपर भी शायद बोला था चाइना और हांगकांग के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपके जो सेमीकंडक्टर चिप्स वाला वापस से होने वाला है शायद, और कुछ और चीज़ों के अंदर डिसरप्शन हो सकती है ग्लोबली सप्लाई में। तो उस वजह से क्या हुआ है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि वो आपकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसी प्रोडक्शन वाले फीचर को फेवर करने के लिए गवर्नमेंट ने दो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। PLI स्कीम्स मतलब मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसको गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते जाते हैं, जैसे लो टैक्स देना या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ़ कर देना, ऐसे कुछ कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं। लो कॉर्पोरेट टैक्स मतलब नई कंपनीज़ के लिए स्पेशली फीचर होता है कि उनको कुछ 2 साल तक, कुछ कुछ केसेस में 5 साल तक टैक्स ही नहीं देना या फिर टैक्स 10%, 8%, बहुत ही कम टैक्स रेट में टैक्स देना होता है। अब यहाँ पर बेस्ट टाइम टू डू सो, एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि ऐसा करने का, ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको ऐसी कुछ पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंट हो सकें तो ऐसी करने का बेस्ट टाइम है इंडिया के अंदर। अगर ऐसा भी कर देते हैं तो इंडिया एक अपने जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पूरा हमने टाइम खो दिया था वो हम यहाँ पर वापस से पेसअप कर सकते हैं। इन्हेंसिंग ईज़ टू डू बिजनेस इज़ रिक्वायर्ड। नाउ ये एक्सपर्ट्स सेड वाले उसी में एक और पॉइंट था, ईज़ टू डू बिज़नेस क्या होता है, ये आपने सुना होगा ज़रूर। ईज़ टू डू बिज़नेस के अंदर सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पे चल रहा है, ये तो आपने शायद सुना ही होगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आपको एक कंपनी खोलनी है किसी कंट्री के अंदर, तो इंडिया के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर करवाने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है ऑन एन एवरेज, और सिंगापुर के अंदर ये टाइम है 3 दिन। तीसरे दिन आपके हाथ में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CIN बोलते हैं वो आ जाता है आपके हाथ में। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सिंगापुर के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं कंपनी, उसका बाद में इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं, इसके बेसिस पे ईज़ टू डू बिज़नेस डिफाइन होता है। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हमें जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप होता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मतलब होता है जैसे जो फाइलें पड़ी रह जाती हैं, जो केसेस पड़े रह जाते हैं उसको रेड टेप बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली रेड कलर के फोल्डर में पड़े होते हैं जनरली, इसलिए रेड टेपिज़म बहुत ही बड़ा एक टर्म चलता है इंडिया के अंदर। तो वो चीज़ हमें थोड़ी कट डाउन करने की ज़रूरत है और फास्टर काम करने की ज़रूरत है अपने बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, तो ये चीज़ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ओपेक प्लस सीन रिवाइविंग आउटपुट इन साइन ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर न्यू ईयर डिमांड। तो अब मैं आप सभी को आपको बताइए कि मैं सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह से डील करता हूँ। तो ओपेक का मीनिंग क्या होता है, ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी आपकी साउथ के आसपास की कंपनी कंट्रीज आती हैं, उसके अंदर 13 मेंबर्स हैं टोटल ओपेक के अंदर, जो कि मेनली पेट्रोलियम ऑयल वगैरह पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, मेन का काम वही है। तो ओपेक प्लस के अंदर क्या है, ओपेक प्लस जो न्यूज़ के अंदर मैंशनड है इसके अंदर 13 सारे मेंबर्स ओपेक के वो सब आते हैं, जो मैंने ये डबल ये डाला हुआ है इसका मीनिंग जो ऊपर लिखा हुआ ये वाला ओपेक पूरा आता है इसके अंदर। उसके अलावा 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग उनका वन ऑफ द मेन काम है, मतलब
तो उस तरीके से जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया तो ऑब्वियसली आता है ओपेक के अंदर, बट सऊदी अरेबिया, रशिया ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉन ओपेक के अंदर आती हैं, जो ओपेक प्लस के अंदर ही आ पाती हैं। तो ओपेक प्लस को आप ओपेक एंड अलाइड कंट्रीज़ भी बोल सकते हैं, मतलब बोला जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या है न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ के अंदर ये बताया गया है कि मंथली हाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 लाख बैरल्स अ डे। आप सभी को पता है ऑयल के अंदर बैरल्स एक टर्म चलती है, इसका मेरे को टेक्निकल नहीं पता कि इसके अंदर कितना लीटर होता है, आप किसी को पता है तो आप कमेंट कर देना, वो काफ़ी लोगों के काम आएगा। तो 4 लाख ऐसे बैरल्स पर डे का कंजम्पशन ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मंथली बेसिस पे हर मंथ ये इतना इतना बढ़ रहा है, डिमांड इतनी बढ़ रही है। तो वही मैंने पॉइंट अगेन लिखा है, डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे स्टार करके ओमिक्रॉन, ये एक पूरा सेंटेंस लिखा था आपके आर्टिकल के अंदर, जिसके अंदर बोला गया था कि ओमिक्रॉन अगर नहीं होता है तो, ऑब्वियसली बात है कि अगर हम कुछ भी चीज़ डिमांड बढ़ने की बात करते हैं तो ओमिक्रॉन ना होना उसके अंदर अजम्पशन लेके चलते हैं। विल रीस्टोर, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो डिमांड बढ़ रही है फ्यूचर के अंदर, तो इसको रीस्टोर कर पाएगी ओपेक प्लस कंट्रीज़, अगर मतलब उसको बेसिकली प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा, तो विल रीस्टोर प्रोडक्शन, या फिर आप एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑयल का आपको पता है एसेंशियली मेन काम उसके अंदर एक्सट्रैक्शन का ही होता है इसके अंदर। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया कि सारी चीज़ें। और अगर आपको कोई भी डाउट है मतलब पूरे आर्टिकल के अंदर, किसी भी आपकी न्यूज़ के अंदर, तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर और लोगों को भी काम आ जाएगा आपका डाउट। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।